कुशीनगर में जाली नोट का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जहां से जाली नोटों की तस्करी में समाजवादी पार्टी के नेता सहित 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सपा नेता रफीक खान उर्फ बबलू गैंग का मास्टरमाइंड है। रफीक खान का नेपाल, यूपी, बिहार और बॉर्डर इलाकों में जाली नोट कारोबार का नेटवर्क था। इस गैंग के पास से 5,62,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए हैं। साथ ही 3,000 नेपाली मुद्रा और 1,10,000 भारतीय रुपए भी जब्त किए गए। और इसके अलावा बदमाशों के पास से 4 सुतली बम, 10 देसी तमंचे और 30 जिंदा कारतूस और साथ ही 12 फायर किए गए कारतूस भी मिले हैं। जानकारी के मुताबिक इस गिरोह का संचालन समाजवादी पार्टी का नेता मोहम्मद रफीक अहमद कर रहा था। रफीक अहमद पर जिले के कई थानों पर 11 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने रफीक को भी गिरफ्तार कर लिया है। नकली नोट के साथ में समाजवादी पार्टी के नेता को भी गिरफ्तार किया गया है। जाली नोटों के कारोबार के रैकेट का बड़ा भंडाफोड़ हुआ। सपा नेता रफीक का पूरे रैकेट का सरगना निकला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज़्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है, 1 लाख से ज़्यादा नगद कैश बरामद हुआ है, 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं, 30 जिंदा कारतूस मिले हैं, 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफ़ी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ में अशोक शुक्ला जुड़ गए हैं। अशोक, 10 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, जिसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अभी तक की जांच में क्या बड़े खुलासे हुए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे गिरोह का खुलासा किया है, यह गिरोह यूपी और बिहार की सीमा पर सक्रिय था और यह गिरोह नेपाल से जुड़ा हुआ था, जहां से जो जाली नोट भारत में ला करके और उनका प्रचलन किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का जो राष्ट्रीय महासचिव है रफीक अहमद, उसकी सरपरस्ती में यह पूरा गैंग चल रहा था। पुलिस ने जो पुलिस को इनपुट मिला था कि जाली नोट चलाए जा रहे हैं यूपी बिहार सीमा पर, जिसके बाद पुलिस के 4 थानों की फोर्स लगी हुई थी और जो साइबर सेल की टीम लगी हुई थी, तो सब कुछ इसके बाद पूरी टीम ने गिरफ्तारी की है, जिसमें 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक जाली नोटों को का कारोबार करने वाले बड़ा नेटवर्क था, जिसे पुलिस ने पकड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि अब तक इस टीम के जो 10 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, उनके पास से 10 देसी तमंचा बरामद हुआ है और अभी तक इधर कुछ वर्षों में बम की जो बरामद की है वो पहली बार हुई है, जो सुतली बम बरामद हुए हैं 4 इस गिरोह के सदस्यों के पास से। तो कुल मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क का खुलासा किया है पुलिस ने, जो यूपी और बिहार की सीमा पे जाली नोटों का कारोबार करता था। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया अशोक आपका।